अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक ठाक हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। और मेरा व्लॉग शुरू हो चुका है। अच्छा, जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो आप भी मिनसों को नहलाएं और देख सकते हैं बाल भी गीला गीला है। और फिर रवा वालिया भी आ गई थी तो मिनसू उन लोग के साथ खेलने लग गई थी खिलौने। और कोई कोई दिन होता है ना कि बहुत ज़्यादा बिजी चला जाता है, आप देख सकते हैं। तो हम कपड़ा धुल रहे थे तो मेहमान आ गए थे, उसके बाद हम उठ खड़े हुए उनके पास थोड़ी देर बैठ गए। और ये देख सकते हैं इतना सारा भीगा हुआ है कपड़ा। और जब हम कपड़ा पहले धुल रहे थे, जींस धुल चुके थे, तो देख सकते हैं जींस में ना हमने ये जो डायरी थी हमने चेक नहीं किया था और जींस का पॉकेट को, और ये सब भीग गया है। तो इसको फ्रिज पे रखे हैं सूखने के लिए। और मेरे साथ हम ना परफेक्ट काम करने की पूरी कोशिश करते हैं, पर पता नहीं कैसे लापरवाही हो जाती है और ये समझ में नहीं आता है। मेरी गलती होती है और हमें सबसे ज़्यादा ना अपनी भूलने वाली बीमारी से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो और आज रात हमें जाना है शादी में भी, और शादी तो इनके दोस्त की ही है और हम लोग के रिलेटिव भी हैं, पर जिसकी शादी है ये इनके बेस्ट फ्रेंड में से ही आते हैं। तो देख सकते हैं मिनसू कितना नाटक करती है। मिनसू बहन बेटा बहुत प्यारा लग रहा है जान। सुनो इसको ले जाओ, मिनसा को छोड़ दो। मिनसू छोड़ दे तुमको, कान खा जाएंगे वो तो। नहीं कान खाएंगे खबर तुमको लेके चले जान शादी में। वो तो बेचारा सीधा साधा लड़का पड़ा है, बोल दे तुम्हारे लिए कोई भी कपड़े लगता नहीं लेना चाहिए, इसीलिए हम नहीं वो करते। हमें शादी में जाना है, वो वाला भी नहीं पहनना है, ये वाला भी नहीं पहनना है, सब हाफ ऑफ है ना। जैकेट नहीं है। और फिर मिनसू को कैसे कैसे रेडी किए वो हम ही जानते हैं और ये देख सकते हैं। और जिस जगह हम लोग गए थे बहुत ही कंजेस्टेड जगह थी, और शादी में बहुत ही भीड़ थी और खड़े ही खड़े थे, फिर कैसे जगह मिली बैठे। और मेरा मन नहीं कर रहा था कुछ खाने पीने का, और इतनी लेट गए थे ना, सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी, चाट गोलगप्पा वगैरह, और भी हमें बिल्कुल नहीं पसंद आता जो आदमी लोग सर्व करते हैं। तो हम बिल्कुल भी ये सब के उसके लिए जा के सामने लो और वो करो, तो इसलिए हम मंगवा लिए थे अपनी चीज़ से। और ये देख सकते हैं कि मिनसू को हम खिला रहे हैं, तो मिनसू यहाँ पे इतना कंजस्टेड था मिर्ची लगने की वजह से, पानी मांगी तो हमने फीडर थमा दिया। उसके बाद हमने कहा मिनसू बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, इनको कॉल किया, उसके बाद ये आके लेके गए मिनसू को। और हमने वीडियो ज़्यादा तो नहीं बनाई भाई, औरतों लोग की तो बनानी नहीं थी इसलिए। हेलो, स्मोकी वाला है ना? हाँ। नहीं जल जाए तो नहीं जलेगा। अरे अभी खाया ना तुम्हारे सामने? नहीं खाएंगे हम नहीं। सुरू रब्बी को खिलाइए। अरे हम क्या देना, कुछ हम अपने हाथ से खिला रहे हैं ना, लड़का हमारा है, मामी वाली मदद। फिर हम पान खा लिए और एक दो लोग से मिले, निकल रहे थे हम लोग जाने के लिए, तब पान खाते हुए निकले। और वो पान का टेस्ट हमें बिल्कुल भी नहीं पसंद आया, हमें मीठा पान बहुत अच्छा लगता है यहाँ का, लेकिन ये पान बहुत ही बुरा था। और भाई जो दुल्हन थी, जो दूल्हे थे, उनकी अम्मी से मिले और हमने कहा बहुत प्यारी दुल्हन लग रही है, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हाँ आप लोग भी प्यारी लग रही हैं, ये वो जो बातें होती हैं वही सब हुई। उसके बाद हम लोग चले गए और ये देख सकते हैं। अब हमने क्या किया है ना, सोचा है कि वीडियो हम जो बनाएंगे उसमें बातचीत करेंगे वो रहने देंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट लगती है वीडियो में। अच्छा ये दरबंदी नहीं लग रही है जी, बन रहा है तो नहीं लगती। और मेरा तो गले में घुट रहा है एकदम। यही दिन रहता है, दिन में पैर रखने की जगह नहीं रहती यहाँ पे। चलो Thank you.
अली मदद आ जा मिनसू आओ समझ बैठा जी ठीक से बैठे थक गई। अच्छा ये गली में लाइट जो लग गई ना बहुत अच्छा हुआ बहुत अच्छा रहता है ना बाबू जब अंदर वहां से बाहर तो दिखते ना आ? हाँ बहुत मजा आई तुम्हें आई मजा तुम्हें आ गई मजा गुड बस तुम ही लोग के लिए मजा के लिए था तुम तो तुम्हारा तो जाने का मन नहीं था ये अच्छा नहीं है वो अच्छा नहीं है खोलो बोलो खोलो बोलते कि खोलिए हटो 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 पहले हटो हटो क्या कह रही थी तुम क्या कह रही थी हम अच्छे लग रहे थे पहले ये बताओ हम अच्छे लग रहे थे और क्या कह रही थी पापा अच्छे दिन देते और कौन अच्छा लग रहा था हम अच्छे ले लेते हाँ क्या चीज फिर से पूछो ले लेते तुम तो बहुत क्यूट लग रही थी फिर से पूछो फिर से पूछ लो लग रहा था तुम फिर से पूछ लो एक बार कौन अच्छा लग रहा था भैया नहीं अच्छा लग रहा था शादी में मजा आई क्या क्या खाया हप्पा कहाँ खाई तुम वहाँ पे चाट खाई चलो चाल ये रख दो चलो चलो अच्छा चलो अब जाओ ऊपर चलो सोने चलते हैं चलो ऊपर चले सो चाट खाना था अरे तुमने तो बोला अभी हमने चाट खाया हमने कुछ नहीं खाया हमने बस खाना खाया कुछ नहीं खाया और हमने चलो ठीक खाया था हमने भी पान खाया था ठीक है चलो अच्छा ओके खुदाफिस हमने भी कुछ नहीं खाया चलो आज चलो हम सामान लेके आते हैं ऊपर चलो तुम ऐसे ही जाओ हम आ रहे हैं ठीक है खुदाफिस और फिर आज हमने ना सारी वीडियो में दलमंडी को और ये सारा रखा था मतलब बिल्कुल भी वॉइस ख़त्म नहीं किया था बहुत अटैचमेंट सा लगता है ना जैसे अच्छा लगता है तो खैर ये हमने सारा सामान समेटा और उसके बाद हम भी ऊपर चले गए थे और ये 2 बजे रात में आए थे और ये देख सकते हैं कि खाना भी लेके आए थे तो मैं सोचा लोग खाने की वीडियो शेयर कर दें आप लोगों को अच्छा आप लोग भी कमेंट में बताएगा कि आप लोग क्या रिलेटिव में शादी होती है तो खाना वाना देते हैं कि नहीं देते हैं प्लीज़ बताइएगा थोड़ी सी मतलब नॉलेज मिलेगी हमें इसी टाइप की नॉलेज बड़ी अच्छी लगती है कि क्या होता है किसके घर किसके क्या क्या मतलब किस तरह का माहौल है हम लोग क्या तो रिलेटिव में खाना देते हैं अगर वलीमा है तो भाई पॉलीथीन बना के रखे रहते हैं डिब्बा बना के रखे रहते हैं और भेजा जाता है तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा बनता है भाई खा के जाओ और ले के जाओ वाला हिसाब रहता है और सबको नहीं देते जो अपने ख़ास ख़ास रहते हैं ना उनको देते हैं तो ये चिकन बर्रा था और ये भी अच्छा बहुत अच्छा टेस्ट था हम तो वहाँ पे बिल्कुल नहीं खाए थे क्योंकि जो आदमियों को रख देते हैं ना सामने वो हमें बिल्कुल भी नहीं पसंद आता तो खैर आज का मेरा व्लॉग यहीं तक था अच्छा वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और वीडियो फुल देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनका भी तहे दिल से शुक्रिया खुदा हाफिज़ अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा